साल 2018 में कई शादियां हुई, लेकिन पांच सबसे अजीबोगरीब विवाह देखने को मिले, जिनमें से कुछ तो मिसाल बन गए और कुछ की तो जंग हंसाई हुई। देखकर लोग हैरान रह गए। देखिए, रिक्शा में दुल्हन की विदाई। जनवरी 2018 में पंजाब के नवाब शहर में रोहो में एक अनोखी शादी हुई। गांव गढ़ी खते खा में आई बारात बस और कारों से थी, लेकिन दूल्हा रिक्शे पर था। फेरे के बाद दुल्हन की विदाई भी डोलों में हुई, रिक्शे में की गई। इतना ही नहीं, अगले दिन रिसेप्शन के नाम पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। दोनों लोग जहां रक्तदान देने लगे थे, ट्रैक्टर पर दुल्हन की विदाई। फरवरी 2018 में पंजाब के अमरोह में यह अनोखी विदाई देखने को मिली। गांव निलहड़ा में 27 वर्षीय रामलाल ने रेणुका से शादी की और बारात ट्रैक्टर पर गई। दुल्हन की विदाई भी ट्रैक्टर पर हुई। शादी एक और अनोखी बात थी कि दुल्हा दुल्हन दोनों सादे कपड़े में फेरे लिए थे। दिव्यांग युवती की गोद में उठाई फिर लिए फेरे। अक्टूबर 2018 में प्यार की एक मिसाल देखने को मिली। इलाज कराते समय युवक को दिव्यांग युवती से प्यार हुआ और उसने इसे गोद में उठाकर सात फेरे ले लिए। युवक ने अपने माता पिता के विरोध में बावजूद सनातन धर्म चैरिटेज ट्रस्ट में जाकर दिव्यांग प्रेमिका से शादी रचा ली। मंत्री की भतीजे के सामूहिक विवाह में शादी। फरवरी 2018 में बीजेपी के एक मंत्री ने अपने भतीजे का विवाह ऐसे अजीबोगरीब ढंग से करा कि हर कोई बस देखता रह गया। यह अनोखी शादी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई। हरियाणा के इंडस्ट्रियल एवं मिनिस्टर विपुल गोयल ने भतीजी की शादी की थी, लेकिन अजीबोगरीब यह था कि यह कल की 31 शादियां हुई। मंत्री विपुल गोयल ने शादियों में होने वाले दिखावे पर फिजूल खर्ची के खिलाफ सामूहिक विवाह सम्मेलन में बड़े भाई अशोक गोयल के बेटे टीना गोयल की शादी की। फेड न्यूज़ की रिपोर्ट।